You have served Amita Tuddu, Jila Prishad Sadasya, Jamtara. Sir, हमारा जमताड़ा जिला के अंतर्गत 6 प्रखंड है। 6 प्रखंड में जमताड़ा प्रखंड में कोरोना की स्थिति काफी भयावह है। इतना भयावह है कि मतलब अभी अगर देखा जाए तो एक वार्ड में वो भी शहरी क्षेत्र में, जैसे मेहजाम एक तो शहरी क्षेत्र है, एक जमताड़ा शहरी क्षेत्र है। इस शहरी क्षेत्र के अंदर में इतना ज्यादा बढ़ गया है कोरोना संक्रमण कि मतलब एक वार्ड में 80-85 कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। अभी दिन दुना चार गुना रफ्तार पर जो है ना डेली 250-300 कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। ये स्थिति हमारा जमताड़ा जिला के अंतर्गत है। इसके मतलब यही है सर, हमारा सोच से, जैसे हमारा जमताड़ा जिला एक बंगाल बॉर्डर में आता है, झारखंड और बंगाल बॉर्डर में होता है, तो हो सकता है सर, जैसे मान लीजिए वो लोग बंगाल से जो लोग आते हैं हमारे झारखंड में, तो ये कोरोना पॉजिटिव उधर भी है इधर भी है, वो लोग पता नहीं चलता कि मतलब यहाँ पर कैसे करके हम लोग मैंने किसका पॉजिटिव है किसका टी है, और वो लोग आकर के यहाँ पर जो है ना हम लोगों का पूरा जो प्रवासी लोग है या बंगाल से जो आने जाने वाले हैं, तो वो लोग हो सकता है उसी के थ्रू से जो है ना हमारा स्थिति यहाँ काफी भयावह कर दिया है। सर हमारे यहाँ बहुत भयावह स्थिति है, यहाँ तक एक एक परिवार में मैंने पूरा परिवार एकदम इसमें कोरोना की चपेट में आ गया, उन लोगों को खाने पीने की स्थिति जो है ना दिक्कत हो गया है। तो सर हम यही चाहेंगे प्रशासन की तरफ से, हम यही निवेदन करेंगे सर, कम से कम उन लोगों को खाने पीने का व्यवस्था अगर कर दिया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि वो अपने पूरा परिवार में जैसे 5 आदमी है तो 5 ही आदमी जो है ना कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और वो लोग बाहर से खाने पीने का कौन ला सकता है, कौन नहीं करता, उससे डिलीवरी भी अगर मान लीजिए वहां पर हो जाता सरकार के तरफ से तो ये अच्छा होता। सर ये हमारा ये तो शहरी क्षेत्र के अंदर का बात बता रहे हैं, डेली हमको हम तो समझ रहे हैं कि मतलब यह डेली एक दो आदमी मर ही रहा है। ये स्थिति जैसे गांव में नहीं जाए, गांव अभी तक थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन गांव के लोगों को थोड़ा जैसे मान लीजिए वो लोग जो हम लोग का जैसे टाउन के अंदर में मास्क का वितरण किया गया था, लेकिन शहरी क्षेत्र में मास्क का वितरण अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि शहरी क्षेत्र में गांव के क्षेत्र में गांव वाले लोग कि एक परिवार में एक मास्क से जो है ना 5 परिवार को भी अपना ले दे करके चलाते हैं। तो हमारे सोच से अगर मान लीजिए सरकार के तरफ से हर पंचायत में अगर सैनिटाइज या मास्क का या साबुन का अगर उन लोग का व्यवस्था पंचायत स्तर में अगर व्यवस्था करवा देता तो वो लोग जो है ना गांव-गांव में जाकर के घर-घर में जाकर के अगर वो लोग वितरण करते तो हम समझते हैं कि थोड़ा कोरोना से थोड़ा ये हो सकता था, सुरक्षा हो सकता था। जहां तक वैक्सीन का बात है, वैक्सीन लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा वो लोग जागरूक करने की थोड़ा सा यह है जरूरत है, क्योंकि बहुत ऐसे देखा गया जिसका मान लीजिए जिसका हार्ट पेशेंट है या किडनी पेशेंट है या शुगर पेशेंट है, कुछ लोग ऐसे दवा खाते हैं, वो लोग अगर बिना समझे बुझे अगर मान लीजिए ऐसे वो लोग ले लेते हैं तो किसी का असर पड़ जा रहा है, जिसमें जिसके वजह से उन लोगों को थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ रहा है, इसी डर से उन लोग वैक्सीन लेने के लिए डर रहे हैं। जहां तक दूसरी बात है सर, जैसे मान लीजिए अभी 17 साल से नीचे वाले को जो टीकाकरण देने के बात चल रही है, सर हमारे सोच से जैसे मान लीजिए अभी मोबाइल घर घर में हो गया है, अभी तक टीकाकरण शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन अभी मोबाइल देख करके लोग जो है ना यही देख रहे हैं, हम लोग जैसे चर्चा करते हैं तो उन लोगों का कहना है जैसे मोबाइल में कुछ जैसे मान लीजिए एड उड दिया जाता है, इसमें दिया जाता है कि कम से कम जो इसमें टीकाकरण लेंगे उस लोगों का बच्चा नहीं होगा, तो लोग डर जा रहे हैं। कम से कम ये गलत जो इसमें एड देते हैं इसके ऊपर में सरकार की तरफ से अगर मान लीजिए उसको अगर रोक लगा दिया जाए तो कम से कम हम लोगों को समझाने के लिए थोड़ा ठीक होता। सर दूसरी बात
खाने पीने के लिए तो सर बड़ी दिक्कत हो गया है, इसके लिए अगर होता तो बहुत अच्छा होता। और हमारे तरफ से सर, हमारा यहाँ प्रशासन भी काफी जागरूक है, बहुत ही जागरूक है, वो लोग हर तरफ से अपना ये लगे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर का कमी से, डॉक्टर का कमी होने से यहाँ जांच करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हमारा यहाँ डॉक्टर का अगर इसका ये बढ़ा दिया जाए, डॉक्टर का या यहाँ स्टाफ की अगर मान लीजिए कमी को भरपाई कर दिया जाए, तो हम समझते हैं कि कम से कम उन लोग का जांच करके उन लोगों का इलाज समय पर होता तो इसके लिए बहुत अच्छा होता। हम लोग नेक्स्ट जिला तक आगे बढ़ेंगे, सरायकेला खरसावां।